हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं विवेक सिंह और दोस्तों टेक्निक सर की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और Realme 8 का इवेंट चल रहा था, कैमरा के बारे में सारे बताए उन्होंने, कैसे 108 मेगापिक्सल के ऊपर वो लोग लाने वाले हैं चीजें सब कुछ। और उसके साथ साथ इसका रूमर्ड स्पेसिफिकेशन भी आ गया, कहा जा रहा है 20 मार्च यानी 20 मार्च के आसपास ही लॉन्च होने वाला है इंडिया में Realme 8 के साथ। और Realme 8i भी आएगा जिसमें कहा जा रहा है MediaTek का G95 का चिपसेट होगा। सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे Realme 8 Pro के बारे में, 8i के बारे में अगला वीडियो हो सकेगा तो बना दूंगा आपको, लेकिन Realme 8 Pro के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन पता चला है सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं। चलते से वीडियो की तरफ, पसंद आया कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना क्यों पसंद आया। चलते से वीडियो की तरफ, लेट्स गेट स्टार्टेड। कंटेंट अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साइड में देखो बेल का आइकन है ना, उस पर क्लिक करके ऑल को क्लिक कर देना ताकि मेरे नोटिफिकेशंस वीडियोस के आपको मिलते रहे। और इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हो, कोई क्वेश्चन है कोई क्वेरी है आके पूछ लो, इंस्टाग्राम पे सबको आंसर मिलते हैं, आपको भी मिल जाएंगे। बाहर से कोई अगर आवाज आती है तो माफ कर देना, थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इसलिए थोड़ी आवाज आ रही है। मैंने यहाँ पे सारी चीजें लिख के रखी है। आज उनका एक इवेंट था जिसमें उन्होंने कैमरा 108 मेगापिक्सल कैसे काम करता है उसको उन लोगों ने एक्सप्लेन किया, सारी चीजें सब कुछ इवेंट है Realme का, जाके आप देखना चाहते हो वीडियो में देख सकते हो। बाकी स्पेसिफिकेशन के ऊपर बात करेंगे तो इसमें सबसे पहले हम डिस्प्ले डिजाइन की तरफ चलेंगे। तो कहा जा रहा है कि 6.5 इंच का आपको सुपर एमोलेड का पैनल मिल सकता है, क्योंकि आप ऑब्वियसली Redmi Note 10 सीरीज को टक्कर देने आ रहे हैं तो इसमें सुपर एमोलेड का पैनल तो होना चाहिए। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर होगा, लेकिन Gorilla Glass 3 का प्रोडक्शन हो सकता है। रियर साइड पे पॉलीकार्बोनेट होगा, क्वाड कैमरा का सेटअप होगा। इसका पूरा जो सेटअप है वो भी आ चुका है, जो डिजाइन है वो ऑलरेडी आ चुका है, आप देखना चाहते हो देख सकते हो। एंड इसके साथ साथ रियर साइड पे Realme की ब्रांडिंग होगी, क्वाड कैमरा होगा रियर साइड पे, पंच होल होगा फ्रंट में, देखने में अच्छा लगेगा देखने के लिए, डिस्प्ले डिजाइन के हिसाब से सही होगा। चिपसेट यही सबसे बड़ा टॉपिक है एंड रूमर आ रहे हैं इसके कि ये स्नैपड्रैगन के 750G चिपसेट के ऊपर आने वाला है। लेट्स सी, देखते हैं किसके साथ आता है। 5G चिपसेट होगा, ऑक्टा कोर का है, 8nm पे बेस्ड है, तो बैटरी एफिशिएंसी आपको अच्छी खासी मिल जाएगी, 2 कोर 2 GHz में, बाकी 6 कोर 1.8 पे है। स्कोर जो है आपको ये 330,000-340,000 के आसपास दे देता है। एड्रीनो 619 है, गेमिंग ग्राफिक्स अच्छी खासी कर लोगे, परफॉर्मेंस वहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन उसके साथ ये एंड्रॉइड 11 के ऊपर आएगा जो कि रियलमी UI 2.2 के ऊपर आने वाला है, तो परफॉर्मेंस थोड़े से ब्लोटवेस रहेंगे, डिलीट करवाओगे कोई इशू नहीं होगा, लेकिन स्टिल परफॉर्मेंस के मामले में भी ये धमाकेदार होने वाला है दोस्तों। अब बात करते हैं कैमरा की। कैमरा की बात करें तो क्वाड कैमरा होने वाला है 108 मेगापिक्सल का, उसका तो पूरा सीरीज पूरा उन लोगों ने इवेंट डाल दिया उसी के ऊपर। 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर होगा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर होगा। पॉसिबली इस बार आपको मैक्रो जैसे रेडमी अच्छी दे रहा है तो शायद यहाँ पे भी आपको 5.5 मेगापिक्सल के मैक्रो या डेप्थ मिल जाए। 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे एंड F1.8 का अपर्चर होगा, तो आपको लो लाइट फोटोग्राफी भी अच्छी खासी मिल जाएगी, वहाँ पे भी इशू नहीं होगा। तो रियर कैमरा अच्छा रहेगा, 4K और के सारे कर लोगे कोई इशू नहीं रहेगा, रियर साइड पे फ्लैश है। फ्रंट में कहा जा रहा है आपको 32 मेगापिक्सल का सेंसर मिलेगा जिसका अपर्चर F2.0 का होगा, वहाँ से भी आप 1080 रिजोल्यूशन में वीडियो निकाल सकते हो। चलिए, तो कैमरा डिपार्टमेंट भी अच्छा ही होने वाला है। बैटरी की बात करते हैं, बैटरी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं लेकिन 4500 mAh की बैटरी मिलेगी आपको इसमें कही जा रही है। 65W का चार्जर होगा एंड टाइप सी का पोर्ट होगा, तो वहाँ पे भी कोई इशू नहीं है, देख सकते हो कोई यही देता है। इसमें आपको बड़ी बैटरी तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि उनका डिज़ाइन बहुत अच्छा होता है, इसलिए डिज़ाइन को उस लिमिट में रखने के लिए उनको बैटरी थोड़ी छोटी करनी पड़ेगी, लेकिन स्टिल 4500 mAh की बैटरी, 65W का चार्जर और टाइप सी का पोर्ट इसमें आपको मिल जाएगा। सेंसर्स की बात करें, सेंसर्स आपको सारे मिल जाएंगे, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर होगा, इसके साथ साथ आपको इसमें कैमरा 2 APA का सपोर्ट मिलेगा, वाइड वाइन L1 का सपोर्ट मिलेगा, फेस अनलॉक रहेगा, एक्सेलेरोमीटर, एम्बिएंट लाइट सेंसर, जायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी सेंसर सब मिल जाएंगे, इश्यूज नहीं आएंगे। तो सेंसर्स के 3.5mm जैक भी रहेगा, वो देखा गया जो इवेंट चल रहा था उसमें, जब Realme 8 Pro दिखाया तो उसमें दिखाया कि उसमें 3.5mm जैक था, तो वो भी रहेगा, वहाँ पे भी कोई इशू नहीं आने वाला है। तो सेंसर्स के डिपार्टमेंट में कोई इशू नहीं आएगा, सेंसर्स सारे आपको इसमें मिल जाएंगे। स्लॉट की बात करते हैं, आपको एक्सपांडेबल स्लॉट रहेगा, ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपको डेडिकेटेड मिले क्योंकि Realme अपने 8 सीरीज में तो देता ही है डेडिकेटेड, तो यहाँ भी चांस है कि आपको डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट मिले, 2 SIM कार्ड के साथ SD कार्ड लगा पाओगे। 6GB 128GB और 8GB 128GB दो वेरियंट आने के चांसेस हैं एंड प्राइसिंग जो होगी वो 20,000 और 22,000 कही जा रही होगी, और ये कम्पीट करने आएगा Redmi Note 10 Pro Max जो हाईएस्ट वाला वेरियंट होगा ना उससे। 5G होगा ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि 20 मार्च के आसपास ही इंडिया में आपको देखने को मिल सकता है दोस्तों। लेट्स सी, अभी तक इन्फॉर्मेशन यही पता चला है, रूमर्ड आए हैं, अभी तक कंफर्म नहीं है, तो ज़्यादा सीरियसली मत लेना एंड अच्छी बात है। देखते हैं किस स्पेसिफिकेशन के साथ लेकर आता है Realme 8 Pro को, जैसे और भी इन्फॉर्मेशन पता चलेंगे बता दूंगा। कैसा लगा वीडियो जरूर बताना, पसंद आया लगे मैं शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना क्यों पसंद है। और भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं उन्हें भी चेक कर सकते हो और मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो। सपोर्ट कुछ खास नहीं करना है, साइड में देखो वैक्ट में जिस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और इंस्टाग्राम पे आ जाओ, कोई क्वेश्चन है कोई क्वेरी है कुछ भी पूछना है आ जाओ इंस्टाग्राम पे, सबको आंसर्स मिलते हैं आपको भी मिल जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कहने साथ, तक के लिए दोस्तों